नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते YouTube चैनल अभी तक में। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज समाप्त होने के तुरंत बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। विराट एंड कंपनी का साथ देने के लिए इस सीरीज में हम सबके चहेते और टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा भी आराम लेने के बाद वापस जुड़ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया पिछले साल जब भारत आया था तब एरोन फिंच की कप्तानी वाली टीम ने विराट एंड कंपनी को उन्हीं की जमीन पर वनडे सीरीज में 3-2 से मात दी थी। भारतीय टीम उस हार का हिसाब बराबर करना चाहेगी, हालांकि यह इतना आसान भी नहीं होने वाला है क्योंकि इस बार टीम के साथ पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर भी होंगे। महज 14 मैचों के टेस्ट कैरियर के बाद क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में नंबर 4 खिलाड़ी बनने वाले मार्नस लबुशानी भी पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। आप इन सभी मैचों का शेड्यूल जान सकते हैं हमारे साथ। पहला वनडे 14 जनवरी मंगलवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा तो दूसरा वनडे 17 जनवरी शुक्रवार को सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट में, तो तीसरा मुकाबला 9 जनवरी रविवार को एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में देखा जा सकता है। इस मैच का लाइव प्रसारण आपका दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, जिसे आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क में देख सकते हैं। साथ ही साथ लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट। भारतीय टीम कुछ इस तरह से रहेगी: विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा उप कप्तान, KL राहुल, शिखर धवन, शिवम दुबे, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, केदार जाधव, मनीष पांडे, ऋषभ पंत, नवदीप सैनी, मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, यजुवेंद्र चहल। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड कुछ इस तरह से है: कप्तान एरोन फिंच, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, एलेक्स कैरी, एस्टन एंगर, पीटर्स हैंडस्कॉम, जोश हेजलवुड, मार्सन लबुशाने, केन रिचर्डसन, डर्सी शॉट, मिशेल स्टार्क, एस्टन टर्नर एंड जंपा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस सीरीज को कौन जीतेगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आपने अंत तक देखा, धन्यवाद।